अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे हरिये से होंगे। थोड़ा शोर शराबा ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि मैं इस टाइम ये देखे पीछे ये डेल के इवेंट पे आया हूँ यूएस में, तो इधर भी मैं दोस्तों के रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे एक दो क्वेश्चन आ रहे थे कल से, मैंने कहा चलो इधर ही बना देते हैं एक वीडियो। लोगों के काफ़ी एक दो दोस्तों के मैसेजेस भी आए। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना कंपनी सिर्फ बना रहे हैं और आगे कहते हैं वीज़ा चाहिए नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती वो कंपनी किस लिए बनाते हैं कि यहाँ पे कंपनी बना दे वीज़ा नहीं चाहिए, तो इसका मकसद नहीं समझ आता क्या है। तो ये आपको बताना है कि भाई कंपनी बना लेंगे, आप पैसे भी रच रहे हैं लेकिन वीज़ा नहीं लगाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते ओमान में जब तक आपके पास रेजिडेंस आईडी नहीं है, जो बताका बोलते हैं अरबी में, ठीक है। रेजिडेंस आईडी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, इवन आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, आप किसी लाइसेंस नहीं ले सकते, तो फिर कंपनी खोलने का फ़ायदा क्या है। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें थी मेरे जहन में, इधर बैठे बैठे आई, मैंने कहा चले आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा किसी भाई को और कोई हेल्प चाहिए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लाजमी रब्ता करें, मेरा नंबर ऑलवेज वीडियो पे होता है। तो कोशिश किया करें कि वॉइस मैसेज कर दें, हर कोई पाकिस्तान से कॉल करना चाहता है तो एक बंदा इतनी कॉलें नहीं सुन सकता, थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। आपकी मोहब्बत है, आप मैसेज करते हैं, हर कोई ज़रूरत नहीं करता, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगले का टाइम और जोन भी दिखा करें और मैसेज कर लिया करें, वो सबसे अच्छा है। और ये आपको थोड़ी जल्दी दिखाते हैं जिधर मैं आया हूँ, ये देखें आप, ये तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदे हैं इधर। बहुत बड़ा इवेंट है, यूएस में है ये, लास वेगास में, और मैं एज ए पार्टनर हूँ। देखे मान से आया, ये देखे मेरा कार्ड, आपको फख्र होना चाहिए कि एक पाकिस्तानी मैं इधर अकेला मान से आया हूँ। चलें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।